नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। दोस्तों, नेपाल से बहुत ही बड़ी दुखद घटना निकल के आ रही है कि नेपाल के एक शहर में बहुत ही भयानक आग लग गई है और इस आग ने यूं मानो पूरे नेपाल में ही तांडव मचा के रख दिया है। तो चलिए देखते हैं इस आग की शुरुआत कहां से हुई थी और कितना यहां पर नेपाल को नुकसान हुआ है, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, नेपाल का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर एक मार्केट स्थित है और उस मार्केट के अंदर मंगलवार को ये आग लगी थी और देखते ही देखते इस आग ने बहुत ही भीषण रूप ले लिया। और दोस्तों, इस आग में उस मार्केट के 50 से ज्यादा घर जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और यह जानकारी नेपाल के अधिकारियों ने दी है। और दोस्तों, यह आग नेपाल के टप्पलजंग जिले के डोबन बाजार में लगी थी और इस बाजार के एक घर से आग लगने की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते यह आग तेजी पकड़ गई और आसपास के पूरे इलाके को उसने अपनी चपेट में ले लिया। और इस घटना में बताया जा रहा है कि 50 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जल गए हैं। और मुख्य जिला अधिकारी गायत्री खड़का ने कहा है कि आग लगने की यह घटना में 33 लोगों के 50 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया है कि नगरपालिका के दमकल विभाग के जो कर्मचारी है उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से 6 घंटे के बाद उस आग पर कड़ी मेहनत के बाद कंट्रोल कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस आग की शुरुआत कहां से हुई थी। तो दोस्तों, अधिकारियों ने बताया कि यह आग शुरुआत में बाजार में स्थित एक कपड़े की दुकान से शुरू हुई थी, यानी कपड़े की दुकान में न जाने कैसे आग लग गई और कुछ ही घंटों के भीतर उसने पूरे कस्बे के 3 दर्जन से अधिक घरों को अपनी चपेट में ले लिया और यह सभी घर आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए आग ने और ही भयानक रूप ले लिया। इसके अलावा जो अधिकतर घर है वो लकड़ी और जिंक शीट के बने हुए थे, इसके कारण आग है वो और तेजी पकड़ गई। इसके अलावा अच्छी खबर ये है कि जितने भी लोग इसके चपेट में आए थे, सरकार द्वारा उसे राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, सरकार द्वारा उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए।